इसमें केवल हिंदुओं की लड़की को फंसा के उससे औलाद पैदा करके उनको आतंकी तैयार करना, वो केवल उसको औलाद पैदा करने की मशीन बनाना, वो बताएंगे सारी सारा। और आप सारी की डिबेट सुनते रहते हैं, अकेला मैं नहीं कह रहा हूँ कि अगर हिंदू की सरदार की लड़की को फंसाया तो 10 लाख रुपया, छत्री की लड़की को फंसाया तो 8 लाख रुपया। मतलब मैं देख रहा हूँ ये जो लव जिहाद वाले मामले हैं उसमें से 1% भी मामला सफल नहीं होता। देश में इस वक्त एक मुद्दा है जो बहुत ज्यादा गर्म है, पूरे देश में इस पर चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया से लेकर सड़कों पर भी इस पर बात हो रही है, लव जिहाद। ये बताइए लव जिहाद पर सबसे पहले तो आप अपना वर्जन बताइए कि आप इससे क्या समझते हैं, क्या बताना चाहते हैं इसको लेकर। मैं लव जिहाद पर राजनीति में आने से पहले से बोलता रहा हूं। लव जिहाद के मामले में एक लिस्ट है कि अगर हिंदू की सरदार की लड़की को फंसाया तो 10 लाख रुपया, छत्री की लड़की को फंसाया तो 8 लाख रुपया। कहाँ कहाँ लगी है लिस्ट सर? ये बहुत जगह लगी है, वो होता है, हमको जानकारी है। आप ये मन समझे मैं हिंदू नेता हूँ, मुसलमानों का भी नेता हूँ, मुसलमान मेरे बहुत भक्त हैं और मुसलमान आके मुझे बताते हैं क्या स्थिति है, और मुसलमान स्वयं मुकर होके बोलने लगे हैं। वसीम रिजवी से बात करिए ना, वो बताएंगे सारी की सारा। और आप सारी की डिबेट सुनते रहते हैं, अकेला मैं नहीं कह रहा हूँ, पर मैं कहता हूँ तो मेरी बात विवादित हो जाती है। अब चूंकि मुसलमान भाई भी उसे बोलने लगे इसलिए अब मैंने बोलना बंद कर दिया, क्योंकि मैं जो बात बोलता था वो बात तो सब बोलने लगे, और जो मैं वो बात बोलता था भाई तो योगी जी बोल रहे हैं, मानी अमित शाह जी बोलने लगे, तो अब मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं, मैं तो बेरोजगार हो गया, मैं क्या बोलूँ। जो मैं बोलता था और जो मेरी बातें विवादित कही जाती, धारा 370 पे मैं बोलता था, मामले खत्म हो गया, मैं क्या करूँ। मैं मंदिर पर बोलता था, मोदी जी ने मामले खत्म कर दिया, मैं क्या करूँ। तो मैं तो बेरोजगार हो गया पूरी तरह से, मेरे पास बोलने के लिए तो मुद्दा नहीं रहेगा, एक ही रह गया जनसंख्या वाला, तो मैं तब तक बोलता रहूंगा जब तक जनसंख्या नियंत्रण बिल नहीं आएगा। देखिए सर, एक बात बताइए कि जैसे लव जिहाद पर अध्यादेश था, लागू किया गया था अध्यादेश, इसके बाद कल राज्यपाल ने साइन कर दिया, उसने कानून की शक्ल ले ली। ये बताइए जैसे यूपी में कानून बन गया है, ठीक है, यूपी में कानून बन गया है, मध्य प्रदेश में बात चल रही है, हरियाणा में भी बात चल रही है, आपको क्या लगता है कि पूरे हर प्रदेश में इस तरह का कानून लागू किया जाना चाहिए? सृष्टि के प्रारंभ से प्रेम विवाह होते रहे हैं, और प्रेम विवाह जो होते हैं, जो मैनेज विवाह होता है, उससे ज्यादा प्रेमी अपनी प्रेमिका से प्रेम करता है, अगर ईमानदार से प्रेम विवाह हो तो। मुझे याद है कि मैं एक जगह भवन में बैठा था और एक छत्री था प्रेम विवाह वाला, उसकी प्रेमिका को, पत्नी को किसी ने कहा थोड़ा पीछे हटो, तो बंदूक निकाले, बोले ये मैंने शादी की है प्रेम से, मेरी ऐसी पत्नी नहीं है, गोली मार दूंगा अगर मेरी पत्नी कुछ कहा तो। तो मतलब जब प्रेम विवाह होता है तो दो शरीर एक जान हो जाते हैं। लेकिन ये कैसा प्रेम विवाह लव जिहाद वाला, कि जितने भी लव जिहाद के माध्यम से शादी हुई या तलाक हुआ, अभी आप देख लीजिए जयपुर वाला मामला, या तलाक हुआ या लड़की मार दी गई या कुछ और हो गया। जयपुर वाला मामला आप टीना डाबी की बात कर रहे हैं, किसी का भी है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। मतलब मैं देख रहा हूँ ये जो लव जिहाद वाले मामले हैं उसमें से 1% भी मामला सफल नहीं होता, इसमें केवल हिंदुओं की लड़की को फंसा के उससे औलाद पैदा करके उनको आतंकी तैयार करना, वो केवल उसको औलाद पैदा करने की मशीन बनाना, ये काम है केवल, तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर प्रेम विवाह हो तो प्रेम विवाह करने वाले मुसलमान तो हमारे यहाँ भी तो हैं, मुख्तार नकवी नहीं है क्या, शाहनवाज हुसैन नहीं है क्या, कौन आलोचना करता है, कौन क्या कहता है, और नहीं है दर्जनों गिना सकता हूँ। लेकिन वास्तव में इंसान जो अगर कोई वास्तव में सही करे, जिसकी नियत ठीक हो, जिसकी नियत ही ठीक नहीं है, तो लव जिहाद ये जिहाद का एक अंग है, लव के हिसाब से जिहाद, पूरब से पश्चिम, सूर्य उदय से सूर्यास्त तक इस्लाम का झंडा बुलंद करना, इसका वो तो जिहाद की परिभाषा कुछ और ही बताते हैं। अब उनके कहने से क्या होगा, लेकिन हमने तो कुरान के कुछ पन्ने हमने भी पढ़े हैं, लोग हमसे भी समझाते रहते हैं जिहाद का क्या अर्थ है, हमने अच्छी तरह से पढ़ा सुना समझा है, रामायण पढ़ी है, गीता पढ़ी है, कुरान भी पढ़ी है आपने, कुरान के भी कुछ बिंदु हमने पढ़े हैं, और हम समझते हैं, हम पूछते हैं जब हमारे पास बड़े बड़े मुसलमान आते हैं और वो स्वीकार करते हैं कि स्थिति क्या है। आपने जयपुर का जिक्र किया, टीना डाबी वाले मामले में
एक मुसलमान लड़का एक हिंदू लड़की से शादी करता है, दोनों के बीच में बात बनती नहीं बनती, तलाक की अर्जी डाली जाती है, ये लव जिहाद कैसे हो जाता है सर? ये बताइए मुझको कि अगर ननकू है वो शुक्ला ना होकर अगर ननकू खान है और वो सुषमा से प्रेम करता है, शादी हो जाती है, ये लव जिहाद कैसे हो सकता है सर? उसका मैं नहीं कहता वो लव जिहाद है, लेकिन लव जिहाद है कि नहीं है इसका उत्तर तो टीना डाबी दे सकती है। अच्छा, जवाब नहीं, महज मुस्लिम लड़का होना और हिंदू लड़की होना तो लव जिहाद नहीं है ना सर? नहीं, ये तो मैंने कहा ना नहीं है, मैंने अपने यहाँ का प्रमाण दिया कि नहीं दिया। अगर नियत सही हो, प्रेम हो, लव हो, जिहाद ना हो, लव होना लव मैरिज होना बात अलग है, लेकिन लव जिहाद होना बात अलग है, बहुत बड़ा बुनियादी अंतर है। तो अगर प्रेम विवाह है, मुसलमान लड़का हो या लड़की हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब लव जिहाद हो केवल इसलिए कि कुछ पैसे मिलेंगे, इसलिए किसी हिंदू लड़की को फंसाना है, उससे आतंकी पैदा करने हैं और लात मार के भगा देना है, वो लव जिहाद है।